गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ मीनाक्षी, योर एसएसटी टीचर, वेलकम्स यू इन योर ज्योग्राफी क्लास. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आवर ज्योग्राफिक ज्योग्राफी थर्ड लेसन, आवर चेंजिंग अर्थ. इस वीडियो में भी हम इसी लेसन को ही डिस्कस करेंगे. इसके अंदर पहले हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था. इसके अंदर सबसे पहले आवर चेंजिंग अर्थ में, हमारी बदलती हुई पृथ्वी में, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि स्थल मंडलीय प्लेट या लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती है वो क्या होती है. द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इंटू ए नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट. स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होती है, उसे ही हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं. फिर हमने किया था कि पृथ्वी के अंदर अर्थ मूवमेंट्स कैसे होती हैं, वो टू टाइप से होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा और एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा. एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने दो प्रकार के फोर्स किए थे, सडन फोर्स, डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस. सडन फोर्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड. और डिस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होते हैं, बिल्डिंग माउंटेन्स. एक्सोजेनिक फोर्स में क्या डिस्कस किया था, इरोजन क्या है, डिस्पोजनल क्या है, उसके अंदर रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. इसमें से हमने जो सडन फोर्सेस थे वो हमने सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में था हमारी बुक में, अभी वोल्केनो और अर्थक्विक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. फिर वोल्केनो की, अब हम वोल्केनो तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कि अर्थक्विक क्या होता है. अर्थक्विक क्या होता है पढ़ लिया था हमने, लेकिन अर्थक्वेक की एक केस स्टडी रह गई थी. इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो रह गई थी, कौन कौन से होते हैं. डू यू नो, पेज नंबर 14 पे हम पढ़ेंगे. डू यू नो एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफी. जो अर्थक्वेक होता है हमारा, भूकंप मापन एक यंत्र से मापा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी, यानी भूकंप लेखी यंत्र उसको हम कहते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्विक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल. ये कहते हैं कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है. एन अर्थक्विक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटल. ये कहता है कि अगर भूकंप की तीव्रता कितनी है, केवल दो है या फिर उससे कम है, तो हमें क्या है, भूकंप के केवल थोड़े से ही झटके हम महसूस करते हैं. एन अर्थक्विक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग. अगर हमारा भूकंप की तीव्रता कितनी हो, 5 हो, तो क्या इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सारी चीजें जो क्या होंगी हमारी नीचे गिरने लगेंगी. एन 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर वेरी स्ट्रोंग. ये कह रहा है कि अगर हमारा भूकंप की तीव्रता 6 डिग्री आ जाए या उससे अधिक हो, तो वह क्या होता है, शक्तिशाली होता है. इज कंसीडर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत शक्तिशाली होता है. एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक. अगर कि कहीं 7 तीव्रता वाला भूकंप अगर कहीं पर आ जाता है, तो क्या होता है, वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है. हमने ये भी किया था ना पिछले वीडियो में कि हम भूकंप की कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते. ठीक है, अर्थक्विक केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे. केस स्टडी के बारे में बताया हमें, अर्थक्विक हिट्स भुज, भुज के अंदर जो अर्थक्विक आया था, भूकंप के झटके आए थे, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ए मैसिव अर्थक्विक मेजर 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001. 26 जनवरी 2001 को एक बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया था भुज के अंदर. 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता कितनी, 6.9 तीव्रता वाला एक भीषण भूकंप आया. जब ये भूकंप आया तो इससे क्या क्या हुआ, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, तो इससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो स्कूल पर पड़ा था. स्कूल वॉज अफेक्टेड, स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था. एक स्कूल की इसमें अंदर स्कूल के बारे में बताया, एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग. स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र और 31 शिक्षकों की उसके अंदर मौत हो गई थी भूकंप की तीव्रता, क्योंकि हमने बताया ना कि जो 6.9 का जो भूकंप होता है, तीव्रता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है. भुज रिलीफ एफर्ट्स
बिलाइटेड। भुज में निराशाजनक राहत क्या रही? थ्री डेज आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाइज नॉट रीचिंग एवरीवेयर। भूकंप के तीन दिन बाद भी हर व्यक्ति के पास भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण वहां के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो गए थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ वुज फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स वर नॉक्ड आउट। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें, सभी लाइनें अवरोधित हो गई थी भूकंप के कारण। फिर क्या हुआ? फायर इन सिटी, आग लग गई। कहाँ पर? सिटी के अंदर। कैसे लगी आग? हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न, कि चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। एमरजेंसी डिक्लेयर इन क्विक जोन, क्विक जोन के अंदर आपातकाल की, एमरजेंसी क्या होता है? आपातकाल, आपातकाल की घोषणा कर दी गई। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ स्टेट एमरजेंसी, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसने आपातकाल की घोषणा कर दी। जब कोई भी स्थिति होती है जब आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है तो उसे कौन डिक्लेयर करता है? हमेशा राष्ट्रपति। तो वहाँ प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है सीएम्स अपील टू द सेंटर। सीएम ने सेंटर से क्या अपील की? गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प। उसने कहा कि गुजरात सरकार ने, उसने क्या मांगी सरकार से? फाइनेंशियल, वित्तीय सहायता मांगी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसे की। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च द ऑन अपील टू द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की थी, भाई वित्तीय सहायता की मांग की थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया केस स्टडी में कि भुज में जो भूकंप आया, लेकिन हमने ये भी बोल दिया कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ा बहुत हम उससे जो होने वाला नुकसान है उससे बच सकते हैं। वो कैसे बच सकते हैं, हमें कौन कौन सी तैयारी करनी होगी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्विक प्रिपेयरनेस, भूकंप से बचाव की तैयारी, क्या क्या भूकंप से बचाव की तैयारी करें हम। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्विक, ये बता रहा है कि जब अर्थक्विक आता है तो हमें कहाँ पर शेल्टर लेनी चाहिए। सेव स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, हमें कहाँ छुप जाना चाहिए? काउंटर के नीचे छुप जाना चाहिए। टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, अंडर ए किचन, हमें किचन के काउंटर के नीचे या टेबल या डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, और जो वॉल होती है हमारी उसके आसपास के अंदरूनी जो कोने होते हैं वहाँ पर हमें छिप जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जो डायरेक्ट चीज़ें हमारे ऊपर हो सकता है भूकंप के कारण, जो डायरेक्ट चीज़ें हमारे ऊपर गिरे वो ना गिर पाए, वो थोड़ा सा दूर गिर जाए, तो इससे क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ बचाव हमारा हो जाएगा। स्टे अवे फ्रॉम, हमें किससे दूर रहना चाहिए जब भूकंप आता है, तो हमें किस किस चीज़ से दूर रहना चाहिए? फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए, एरिया अराउंड चिमनीज, आग वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए, एरिया अराउंड चिमनीज, चिमनी के आसपास से दूर रहना चाहिए। विंडो दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर्स फ्रेम, हमें अपने आसपास टूटने वाली चीज़ें जैसे खिड़की होगी, शीशा हो गया या कोई फोटो फ्रेम हो गया, उनके पास भी नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? क्योंकि जब भूकंप आएगा वो चीज़ें टूट कर नीचे गिरेंगी, अगर वो हमारे ऊपर गिर जाएंगी तो हमें उससे क्या होगा, ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हमें भूकंप आता है तो ज़्यादा दूर तो हम नहीं भाग पाते, लेकिन इतना तो हम रूम के अंदर कर ही सकते हैं। बी प्रिपेयर, हम पहले से ही तैयार रहे। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना वो क्या करें, विश्वास से करें। ठीक है, ये हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया। हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा कि भूकंप जो होता है कैसे आता है, उसका क्या फोकस होता है, उसका एपिसेंटर क्या होता है, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, प्लेट बाउंड्री क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। कि हमने ये भी पढ़ा कि भूकंप के
हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या है थोड़ा बहुत अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, जैसे अगर भूकंप आता है तो मछलियां जो होती हैं वो पानी में उछलने लगती हैं, या जो स्नेक्स होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है पहले से थोड़ा सा कंपन महसूस होने लगती है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, पढ़ लिया हमने। अब हम जानेंगे कि मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। मेजर लैंडफॉर्म, मुख्य स्थलाकृति क्या क्या होती है। द लैंडस्केप इज बींग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग मतलब अपक्षय और इरोजन मतलब अपरदन। पिछली वीडियो मैंने इरोजन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इरोजन क्या होता है। द लैंडस्केप इज बींग कॉन्टिन्यूसली वॉर्म अवे बाई टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरेजर, अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे कि वेदरिंग क्या होता है ना, इरोजन क्या होता है। वेदरिंग इज द ब्रिकअप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर शैलो के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। वेदरिंग, अपक्षय बोला ना हमने इसको हिंदी में, तो पृथ्वी की सतह पर जब शैले टूटने लगती हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। इरेजन क्या होता है, इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। भूदृश्य क्या होगा, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम मतलब बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एसेक्ट्रा। वायु, जल एवं आदि अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवे और ट्रांसपोर्ट, तो वो क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरेजन एंड डिपोजनल क्रिएट डिफरेंट लैंड रिफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले बता दिया कि, पहले तो थोड़ा सा बता देती हूँ वेदरिंग क्या है। वेदरिंग क्या होता है, जब रोक जो कोई चीज़ बहनी बहती रहती है, जैसे वेदरिंग में क्या आ गया, जैसे हम बोलते हैं वेदरिंग क्या होती है कि रोक हो जाती हैं, जो हमारी चट्टाने वो टूटने लगती हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है, अब हम देखिए हमने छत पर कोई पत्थर रख दिया है तो वो क्या होगा, बहुत सालों के बाद क्या हो जाएगा, उसके अंदर दरारें पड़ने लग जाती हैं, वो क्या होगा, वेदरिंग के कारण होता है। वेदरिंग किस कारण से होती है, टेम्परेचर के कारण और टाइम पीरियड के कारण। टाइम पीरियड के कारण मान लो आपने गली में मिट्टी गिरवा दी और वो मिट्टी क्या होगी, थोड़े दिन बाद क्या देखोगे, वो मिट्टी क्या होगी, पैरों के नीचे दब कर वो क्या होगी, उसका आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन क्या होता है, जब कोई चीज़ टूटती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, इरेजन कहते हैं। इरेजन में जैसे मान लो मिट्टी है, हवा चलती है, हवा चलने के कारण मिट्टी के जो कण है, पार्टिकल्स है, वो उड़कर क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही है, मान लो ये पहाड़ बना हुआ है और वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण जो ये रॉक पार्टिकल है या जो भी चट्टाने हैं वो क्या होगा, नीचे की ओर आने लगेगी, उसे हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। अब हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर पढ़ेंगे कि वर्क ऑफ ए रिवर, एक नदी जो होती है वो कैसे काम करती है, नदी के क्या क्या काम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क क्या है, आपने क्या करना है, जो जितना लेसन मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें से कम आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन राइट करने हैं अपनी रफ नोटबुक में, और उनकी फ़ोटो खींचकर मेरे पास आपने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।